नमस्कार। दरमियान की खास पेशकश वार्षिक राशिफल साल 2021 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के तपकेश्वर मंदिर में। बहुत ही पवित्र स्थल है ये। यहीं पर महादेव ने अश्वत्थामा को अमरता का वरदान दिया था और जिसके चलते इस जगह को अश्वत्थामा की तपोभूमि और जन्मस्थली दोनों मानी जाती है। यहाँ मौजूद गुफा है जो इसका अपना ही महत्व है और उसे महाभारत काल से उसका इतिहास जुड़ा है। कहते हैं कि एक वक्त था जब यहाँ पे दूध की धारा बहा करती थी, लेकिन देखिए कलयुग है तो कलयुग में दूध तो जल में परिवर्तित हो गया और गुफा से सुसकता यही जल महादेव को रोजाना रुद्राभिषेक करता है, जिसके चलते इस स्थान का तपकेश्वर नाम पड़ा। महादेव साक्षात यहाँ विराजते हैं और देखिए जहाँ महादेव विराजते हैं वहीं से आज हम आंकड़े लेकर आ रहे हैं वार्षिक राशिफल। तब तक हमने मेष राशि से लेके कुंभ राशि तक वालों का वार्षिक राशिफल बताया था और आज के एपिसोड में हम अपनी अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में बात करेंगे। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि शुरुआती ग्रह नक्षत्र जो बदल रहे हैं उनकी चाल क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल। देखिए मीन राशि वालों का 1 जनवरी 2021 को जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से उनके लगन में तो खैर कोई ग्रह नहीं रहेगा और सेकंड हाउस में मंगल रहेंगे बहुत अच्छी स्थिति में। थर्ड हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस उनका खाली जाएगा, फिफ्थ हाउस में उनके चंद्रमा है, छठा सातवां आठवां भाव खाली है, नवम भाव में केतु और शुक्र की स्थिति बन रही है, दशम भाव में सूर्य और बुध का अच्छा राजयोग बन रहा है और लाभ स्थान में इनके गुरु और शनि रहेंगे और बारहवां घर खाली है। तो इनकी कुंडली में अच्छी बात क्या है कि बारहवां घर भी खाली है और अष्टम भाव भी खाली है, तो यानी कि इनकी परेशानियाँ जो हैं वो कम रहेंगी और छठा भाव भी इनका खाली है, तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली में अगर 6, 8, 12 भाव अगर खाली रहते हैं और उनको अगर जिस महीने में यह योग बनता है या वर्ष में बनता है तो वो वर्ष बड़ा भाग्यशाली रहता है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, अष्टम भाव आयु मृत्यु का देखा जाता है, बारहवां भाव खर्च का देखा जाता है या परेशानी का देखा जाता है। तो जब इन भावों की में कोई ग्रह नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो वर्ष बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही लाभकारी होता है और राशि का स्वामी इनके लाभ स्थान में बैठा है तो और क्या चाहिए, शनि लाभ स्थान में बैठे हैं तो सभी कुछ इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ये वर्ष भी इनके लिए लाभकारी रहेगा, मंगलकारी रहेगा, हर लिहाज से इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दर्शकों ये भी बताते चले साथ साथ कि जो राशिफल हम बताते हैं ये चंद्रमा पर आधारित होता है, यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग राशिफल बताया जाता है और इसमें आपका ना तो पाश्चात्य जो राशि होती है, वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो सन साइन से देखी जाती है, सूर्य राशि से, लेकिन हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्रमा पर आधारित है तो हमारा राशिफल चंद्रमा के आधार पर देखा जाएगा, ना कि नाम राशि के ऊपर। तो आप चंद्रमा के ऊपर अकॉर्डिंग अगर अपना राशिफल देखेंगे तो बिल्कुल ये सटीक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा और वार्षिक राशिफल में जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल उसी के अनुसार ही आपके साथ वो चीज़ें उसी समय पर घटित होती हुई नजर आएंगी। चलिए और इसी मून साइन के आधार पर जानेंगे कि आपकी सेहत इस पूरे साल कैसी रहने वाली है। देखिए सेहत के दृष्टिकोण से बात करें तो छठे भाव में इस साल की शुरुआत में कोई भी ग्रह नहीं रहेगा तो सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। गुरु शनि के योग के कारण, क्योंकि राशि का स्वामी आपका नीच का हुआ है जी, इसके कारण आपको कह रहा है कभी कभी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं या सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, या अगर हम बात करें आपको घुटनों में कोई तकलीफ या यूरिक एसिड की समस्या या छाती में कोई समस्या बन सकती है, लेकिन ये समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी समस्या होगी और इसका आप सलाह मेरी ये होगी गंभीर समस्या कब बनती है, हम लापरवाही बरतते हैं, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है आप अपना उसका मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए और उसका समय से इलाज कराएंगे तो वो कोई गंभीर रूप नहीं धारण करेगी। तो सेहत के लिहाज से ऑलमोस्ट आपका ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई बड़ी परेशानी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, छोटी मोटी दिक्कत ही बनी रहेंगी बस स्वास्थ्य संबंधित। और आगे चलते हैं और बात करते हैं अब स्टूडेंट्स को लेकर कि भाई उनके लिए 2021 उनके लिए कितने नए मौके लेके आने वाला है और कहां कहां उन्हें सफलता हासिल हो पाती है।
ये स्टूडेंट्स को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक स्टूडेंट्स विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के पढ़ने के लिए तरस रहे थे, वो क्योंकि 2020 में वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इस साल वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। स्टूडेंट्स को बाहर जाने का मौका मिलेगा और उनको शिक्षा में भी इस समय इनको अच्छी सफलता मिलेगी, मार्क्स बड़े अच्छे आएंगे। आप परीक्षा में उच्च मार्क्स, मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे इस वर्ष, कम मेहनत में भी आपको अच्छा परिणाम दे देंगे। कुछ ऐसा संयोग मान लीजिए कि जो आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जो तैयारी करते समय पढ़ेंगे, वो परीक्षा में चीज आ जाएगी, तो ये आपके लिए सौभाग्य की प्रतीक होगी। बहुत अच्छा इस समय आपको लाभ रहेगा। माँ सरस्वती की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। परीक्षा वाले दिन अगर माँ सरस्वती की आराधना सुबह करें आप नहा धोने के पश्चात, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपका मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा। जो लोग अपना, जो स्टूडेंट्स अपना खासकर मेडिकल के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको इस वर्ष में बड़ी सफलता मिलेगी। बहन जी, ये तो अभी आपने बताया कि हेल्थ के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में, अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई इनकी लव रिलेशनशिप लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि जो मैरिड कपल्स हैं उनके आपसी में कितना प्यार मोहब्बत रहने वाला है, और जो लोग सिंगल हैं क्या उनके चांसेस हैं कि भाई इस बार वो सिंगल से मिंगल हो जाए। बिल्कुल, देखिए जो सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छी संभावना रहेंगी कि वर्ष की शुरुआत से ही आपके विवाह के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और इस वर्ष में आपका विवाह हो जाना चाहिए। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा की है तो आपका विवाह का योग बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगा। बाकी तो इंडिविजुअल हर किसी कुंडली से ज़्यादा बेहतर पता चलता है जी। लेकिन एक गोचरीय विधि के हिसाब से, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, मीन राशि वालों का विवाह का योग इस वर्ष बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैवाहिक सुख भोगेंगे आप, और जो लोग वैवाहिक जो कपल हैं वो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनका संतान प्राप्ति का समय भी ये बहुत बढ़िया रहेगा। 2021 में अगर आप कंसीव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। मैरिड लाइफ लोग भी आप इस समय का आप बहुत एंजॉय करेंगे, और पति पत्नी एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आप दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं होगी, ना ही किसी को कोई शारीरिक कष्ट होगा। चलिए, तो हमने आपके बात की आपके पर्सनल यानी कि लव रिलेशनशिप्स के बारे में, लेकिन अब बारी आती है आपके प्रोफेशनल फ्रंट की, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जितना अच्छा करता है उतनी उसे सफलता हासिल होती है। और ऐसे में मेन राशि वाले जातक जितने भी हैं, अगर वो जॉब्स में हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो वहाँ उनके प्रमोशंस के कितने ज़्यादा चांसेस है इस साल 2021 में। और देखिए, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, हालांकि देखिए ना 2020 में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के चलते बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है बहुत ठप पड़ा है, और बिजनेसमैन पे बहुत ज़्यादा असर रहा है। तो ऐसे में 2021 उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। देखिए, 2021 नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार में आप नए झंडे गाड़ेंगे, नए आयाम हासिल करेंगे, ऊंचाइयां छुएंगे, बुलंदियों पर जाएंगे, तो कुल मिलाकर बिजनेस भी अच्छा रहेगा। शनि बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान है जी। मंगल धन भाव में बैठ के आपको बहुत अच्छा व्यवसाय बना रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। कुल मिला के आपको नौकरी व्यवसाय में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और लाभ ही लाभ आपको होगा। चलिए, ये तो हमने बात की आपके प्रोफेशनल फ्रंट की, जहाँ आपको ना सिर्फ सफलता मिलने वाली है बल्कि लाभ ही लाभ होने वाला है। अब आ रही आती कि भाई इस साल आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, लक के सहारे आप कितनी ऊंचाइयों को छूओगे। देखिए, भाग्य की बात करें तो 90% भाग्य इनके साथ रहता हुआ नजर आ रहा है, और इसी भाग्य के बल पर ये अपने सभी कार्य पूर्ण कर पाएंगे, सभी बड़ी सफलता मिलेगी। बस ये कि आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, अगर मेहनत करने से रुके तो दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, किस्मत आपके इस समय साथ रहेगी। जब किस्मत साथ है तो मैं जी, ऐसे में क्या कहते हैं इनकी शत्रु राशि और मित्र राशि? देखिए, इनकी कर्क राशि के साथ इस साल बहुत अच्छी रहेगी। कर्क राशि हो गई इनकी, और कन्या राशि के साथ बहुत अच्छा रहेगा, और वृश्चिक राशि, इनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा कुंभ राशि वालों से सावधान रहना चाहिए, और सिंह राशि वालों से सावधान रहना चाहिए, और तुला राशि वालों से जी। चलिए, ये तो हमने अब तक बात की आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के करियर को लेकर, और आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके लक को लेकर, और
अब बारी आती है आपका आर्थिक पक्ष। जी हाँ, फाइनेंशियली इस साल आप कितने स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, क्या आपको कहीं पैसों की तंगी महसूस होनी पड़ेगी या फिर आपको लाभ ही लाभ होंगे। देखिए, इस साल फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा समय है क्योंकि धन का कारक मंगल आपके धन स्थान में विराजमान है। एकादश भाव में लाभ के भवन में आपका गुरु और शनि बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा धन लाभ होगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, किस्मत भी साथ देगी और पैसा आप काफ़ी कमाएंगे। एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करके भी आपको पैसा आएगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके सोर्स से आपको धन लाभ के अवसर बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगे 2021 में। यानी कि धन लाभ भी होगा, सेविंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन महंगे जाते जाते आपको लगता है कोई सावधानियाँ जो मीन राशि वाले जातकों को बरतनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मीन राशि वाले बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। देखिए, मीन राशि वाले बहुत शांत होते हैं लेकिन गुस्सा अचानक से आता है और 2 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। बहुत मधुर स्वभाव के होते हैं। मीन राशि 12वीं राशि होती है, देव गुरु बृहस्पति की राशि होती है, इसलिए बहुत सौम्य, बड़े शांत होते हैं। जल तत्व की राशि है, जैसे जल शीतल होता है उसी के समान शीतल मधुर स्वभाव वाले होते हैं हमेशा। देखिए, 3 ही राशियाँ जिनको कर्क, वृश्चिक और मीन, जिनको देवता श्रेणी की राशि में रखा गया है ज्योतिष में, कि ये 3 राशि सबसे बेहतर होती हैं, तो इसलिए उनमें से एक मीन राशि भी है। तो मीन राशि वाले लोग हमेशा सबका अच्छा ही सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जो लोग इनका बुरा करते हैं ये उनको माफ़ करने की भी हिम्मत रखते हैं, कि बहुत बड़प्पन बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है, बहुत बड़े होते हैं और ये लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। इनको कभी भी आगे बढ़ने की लालसा नहीं रहती है या किसी को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ना चाहें, उस तरह की लालसा मीन राशि वालों के अंदर नहीं रहती है। तो मीन राशि वाले बहुत ही अच्छे, हम कहते हैं कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जी, तो क्या क्या सावधानी आपको लगता है इनको बरतनी चाहिए कहीं? देखिए, इनको इस वर्ष में वैसे तो आमतौर पर इनकी ग्रह स्थिति सब चीज़ें बेहतर है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, कि लाभ ही लाभ होगा। लेकिन और ये इनका स्वभाव भी अच्छा है, इनको ये कहा जाता है कि किसी भी नए व्यक्ति के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये अक्सर किसी की बातों में आकर उनको पैसे दे देते हैं या उनके साथ काम में जुड़ जाते हैं। इस तरह के किसी भी काम में जुड़ना आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और कुछ महीने हैं जिस महीने आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक महीना उनमें से फरवरी का महीना रहेगा, फरवरी का महीना हो गया, और दूसरा मार्च का महीना, ये 2 महीने, उधर अगस्त का महीना, नवंबर का महीना, इन 4 महीनों में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इन 4 महीनों में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, किसी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। कोई छोटे मोटे उपाय? देखिए, इस समय इनको क्या करना चाहिए कि आपको उपाय, सबसे बेहतर उपाय आपका यह है कि भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में हालांकि गुरु नीच का है पर लाभ स्थान में है तो लाभ तो देगा ही, लेकिन अगर आपको कोई भी अशुभ फल मिलने हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र गरीब ब्राह्मण को दान देंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और उनकी आयु, उन ब्राह्मण की आयु 50 साल से ऊपर की होगी तो और भी उत्तम रहेगा। गरीबों को खाना खिलाएँ तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये हमने आज व्याख्यामा जी से जाना कि आखिरकार मीन राशि वाले जातकों के लिए 2021 वाकई में क्या कुछ लेकर आ रहा है। अब तक हमने आपको अपने वार्षिक राशिफल में बताया था मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक, और आपको हमारी ये खास पेशकश, धन ज्ञान की खास पेशकश कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा, और आपके कोई भी सुझाव है प्लीज़ हमें दीजिए, क्योंकि हम खुद वेट करते हैं आपके सुझावों का, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे पूरी तरह बेस्ड होते हैं, वास्तु पे बेस्ड होते हैं, उनमें हम और इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। देखिए, कोई भी जन्म से तो सीख के नहीं आता, हम सब यहीं से सीखते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपके सुझाव हमें कुछ ना कुछ सिखाएं। चलिए, इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नव वर्ष यानी कि 2021 की आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ, और मुझे महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। कोई भी समस्या है अपनी कुंडली से संबंधित, घर के वास्तु से संबंधित, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप महेश शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।